हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ सरोजनी नगर हॉल। सो गाइज, रिसेंटली मैं सरोजनी नगर होके आई और मैंने मंडे को जाने का सोचा, और मंडे में मैप में दिखाता है कि क्लोज है मार्केट, बट जब मैं वहाँ पहुंची तो मतलब इतनी भीड़, मैंने सोचा मार्केट क्लोज होगी, मैं इस डर से जा रही थी, और इतनी भीड़ थी लिटरली मार्केट में। सो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बट मैं जितना भी शूट कर रहा आप देखो जब तक वो, ठीक है। ये स्वेटर फुल स्लीव्स की है और वुलन में है, और इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, पैटर्न कितना प्यारा है इसका, और कलर भी इतना प्यारा है, ग्रे और वाइट कलर का है। तो और ये मुझे पड़ा ओनली 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का है ये स्वेटर, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया मतलब। सो गाइज, नेक्स्ट है मेरा ये रेड कलर का हाई नेक, और ये पूरा ड्रेस, इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग है, टी शर्ट से लॉन्ग है, और इसमें प्यारा सा प्रिंट बना है, कैट है आई थिंक ये ब्लैक कलर में, और हाईनेक है ये, एंड ये भी काफ़ी गर्म है, ऊनी टाइप इसका काम है, और इतनी बड़ी ड्रेस है ये, ड्रेस एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो, और इसके नीचे ब्लैक लेगिंग्स डाल के भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा ये। गाइस, नेक्स्ट है हमारा ये लोवर, जो कि फर वाला है पूरा, और अंदर से काफ़ी वॉर्म है, कुछ इस तरीके का इसका अंदर से है कपड़ा, काफ़ी वॉर्म है ये। ये एक्चुअली इसका सेट मिल रहा था जो कि 550 का बता रहे थे वो, और ये लोवर 200 की रेंज में सेल में लगा था, सो मैंने ये वाला लोवर, इसमें मैंने दो लोवर लिए सेम, मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, हम ये एक ये वाला लिया था, ये लाइट पिंक है, एंड ये आई थिंक ब्राउन कलर है, ये क्या कलर है आई डोंट नो, बट ये दो लोवर लिए थे मैंने 200 के एक, तो 400 के टू। सो गाइज, नेक्स्ट फिर हमने लिया ये वाइट कलर का वुलन जैकेट, जैकेट है और स्वेटशर्ट टाइप भी है, बिकॉज जैकेट इसमें इतनी सी चेन है, सिर्फ इतनी चेन है, और ये काफ़ी वॉर्म है, अंदर से इसका कपड़ा कुछ ऐसा है, बट ये काफ़ी वॉर्म है, और वाइट कलर की थी, सो मुझे वाइट पर्सनली काफ़ी पसंद आता है, सो इसीलिए वाइट कलर मैंने ये ली है, और इसका प्राइस है 400, वो 500 की समथिंग बता रहे थे, बट मैंने बार्गेनिंग की थोड़ी बहुत जितनी आई मुझे, तो मैंने 400 में ली। एंड फिर गाइज, हमने नेक्स्ट परचेज किया ये ट्राउज़र कह लो, पैंट कह लो, कुछ भी कह लो इसको, बट ये हाँ, ये पार्टी वेयर काफ़ी अच्छी लगेगी, अगर इसके ऊपर हम कुछ भी क्रॉप टॉप डाल लेंगे, शाइनी वाला डाल लेंगे, नॉर्मल भी डाल लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें ये कुछ गोल्ड ऐसे चेन लगी पड़ी है, सो इसका ऐसा कुछ नीचे वाइल्ड लेग जैसा जा रहा है, तो ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा, और ब्लैक सब में चल भी जाता है, इसीलिए मैंने ब्लैक पिक किया। और भी कलर थे इसमें, ब्राउन था, ग्रीन था, और भी कलर थे, और ये मुझे मिला 250 में। नेक्स्ट परचेज है हमारा ये लोवर,
ये 200 की सेल में था एंड 200 आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर दिस लोवर। और ट्रैक सूट, एज अ ट्रैक सूट भी पहन सकते हैं हम इसको, एंड अंदर से काफ़ी इसका गर्म है, वुलन जैसा है आप देख सकते हो, और ग्रीन कलर है, काफ़ी कलर थे इसमें भी, ब्राउन कलर, स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर ऑल्सो। सो ये हमें 200 का पड़ा। और लोवर आजकल वैसे भी ठंड में ज़्यादा पहनते हैं, सो इसलिए लोवर ज़्यादा परचेज किए मैंने। सो गाइज नेक्स्ट मैंने लिए कोट, जो कि कोट वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, और ये मैंने कोट लिया है ब्लैक एंड वाइट में, ऐसे चेक में इसका कुछ ऐसी समथिंग प्रिंट है, और काफ़ी अच्छा है, अंदर से कपड़ा ऐसा है, एंड इसमें एक बटन है, सिर्फ एक बटन है इसमें, और कोट बहुत प्यारा है ब्लैक एंड वाइट में, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट हर किसी में चल जाता है लिटरली। सो ये मुझे उन्होंने 500 का बोला था, सो मैंने इसको बार्गेनिंग कर करके 200 में ले लिया था। सो इसको ड्रेस में डाल लो या क्रॉप टॉप जीन्स में डाल लो तो बहुत प्यारा लगता है ये कोट, बाकी आप ट्राई ऑन में देख ही लेना। नेक्स्ट है हमारा ये स्वेटर, और इसमें रेड हार्ट है, इतने प्यारे लग रहे हैं, सो मैंने इसी रेड हार्ट को देख के ही इसको परचेज किया था, और काफ़ी वॉर्म टाइप है ये, और वैसे भी क्रिसमस आ रहा है सो उसके लिए तो परफेक्ट है, नीचे जीन्स डालो, स्कर्ट डालो, उसके साथ बहुत अच्छा पेयरअप हो जाएगा, और रेड हार्ट की वजह से मैंने इसको परचेज किया है ओनली ऑन 200 में, सो मुझे काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट हमारा एक और कोट है, ये कुछ ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर भी काफ़ी प्यारा है, इसमें 3 यू बटन दिए हैं, ये बटन कुछ पुराने टाइप लग रहे हैं बट अच्छा लग रहा है, ब्राउन कलर में है, अंदर से कुछ ऐसा है इस तरीके का, और इसको हम अलग भी कर सकते हैं बट इसको अलग कौन करेगा, अलग करके अच्छे नहीं लगेगा ऊपर का ये कोट का कॉलर, तो ब्राउन कलर में है, इसमें एक जेब दे रखी है, सो कुछ भी आपको लिपस्टिक एंड ऑल डालना है तो इसमें आप कर सकते हो। सो ब्राउन कलर का मैंने ये कोट लिया, मुझे काफ़ी पसंद है, और ब्राउन कलर भी सब में चल जाते हैं, अंदर से आप कुछ भी वेयर करो। नेक्स्ट मैंने परचेज किए हैं शूज़, जो कि ये वाले शूज़ है ब्लैक एंड वाइट में, इस मेरा काफ़ी टाइम से सरोजनी के शूज़ लेने का मन था, मैंने आज तक कभी कोई शूज़ नहीं खरीदा, हील्स वगैरह खरीदिए बट शूज़ नहीं खरीदे, तो सो ये मैंने शूज़ खरीदे हैं ब्लैक एंड वाइट में, जॉर्डन के 3rd से भी लेवल नीचे वाला कॉपी, सो मेरे को ये 350 में पड़े हैं, सो 350 में तो आई थिंक ये परफेक्ट एकदम। सो ब्लैक एंड वाइट इसलिए लिए क्योंकि ये सारे कोई से भी आउटफिट में चल जाते हैं, कोई से भी कलर वाले आउटफिट में चल जाते हैं, सो इसलिए ब्लैक एंड वाइट मैंने ये शूज़ लिए हैं 350। एज नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये पर्स, ये वाला पर्स जो कि चेन का काम भी है इसमें, ऐसे चेन है, और चेन वाला मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आता है, सो इसमें एक ये फ्रंट पे ऐसे चेन है, इसमें यहाँ पे हमारा काफ़ी स्पेस है, सो इसमें हम अपने लिपस्टिक, फ़ोन, पर्स सब रख सकते हैं, और अंदर मेरे पास स्लिंग बैग है एक्चुअली, तो मेरे को एक बड़ा पर्स लेना था जिसमें मैं कहीं अपनी फ्रेंड के आ जाऊँ या कहीं रिलेटिव्स के आ जाऊँ तो 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स अपने डाल सकूँ, सो मैं इसलिए एक बड़ा बैग लेके आई, और ये मुझे पड़ा 250 का। सो कलर भी इसका बहुत प्यारा है, सो ग्रे कलर में मुझे काफ़ी पसंद आया इसलिए मैंने ये लिया। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपको कुछ भी पसंद आया लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या क्या पसंद आया।